हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ का चैप्टर फोर्थ, जो कि सिविक्स का चैप्टर है। इसमें स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग आवर दिस चैप्टर वी वुड लाइक टू बी शेयर समथिंग दैट इन अवर सोसाइटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट देर विल बी सम आइडेंटिटी एज अ बॉय और गर्ल, क्योंकि हम जिस तरह के समाज में जी रहे हैं वहाँ पे ये आइडेंटिटी कि आप लड़के हो कि लड़की हो, ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट इट। बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी, यानी लड़का होना या लड़की होना उसकी आइडेंटिटी के लिए, उसकी पहचान के लिए किसी भी व्यक्ति की कि वो मेल है कि फीमेल है, बहुत ज़रूरी है। द सोसाइटी वी ग्रो अप इज इन टीच अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। यानी हमारा जो समाज है वो हमें ये सिखाता है, यानी जिस समाज में हम लोग जी रहे हैं वो हमें ये बताता है कि अगर हम एक लड़की हैं तो हमें किस तरह का बिहेवियर करना है, और अगर हम एक लड़का है तो किस तरह का बिहेवियर हमें अपने सोसाइटी में करना है। जैसे कि अगर आप एक बॉय हैं तो आप घर का कोई काम नहीं करते हो, ठीक है, बिकॉज यू फील दैट मैं तो एक लड़का हूँ, मेरा काम थोड़ी है, मैं ऐसे नहीं कर सकता। लेकिन एज अ गर्ल, एक जो गर्ल चाइल्ड होती है उसे स्टार्टिंग से ही ये ट्रेंड किया जाता है कि नहीं, आपको ये चीज़ करनी है, आपको ब्रूम करना सीखना है, मूव करना सीखना है, आपको कुकिंग सीखनी है, बिकॉज आपको अगले घर जाना है। तो उस बच्ची की जो टेंडेंसी होती है वो स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर की जाती है कि आपको सोसाइटी में किस तरह से बोलना है, किस तरह से हंसना है, किस तरह से कपड़े पहनने हैं। इवन हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो ये हमारी सोसाइटी जो है गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में डिफ्रेंशिएट करती है उनके बिहेवियर को लेकर। बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू, यानी कुछ चीज़ें हैं जो लड़के कर सकते हैं लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं, ठीक है, या गर्ल्स जो कर सकती हैं वो बॉयज़ नहीं करते हैं। तो कुछ सोसाइटी जो है उन्होंने इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है बॉय और गर्ल चाइल्ड के बीच में किया हुआ है। वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर। अगर हम देखें क्या ये सब चीज़ें हर जगह एक जैसी हैं, बट डू ऑल द सोसाइटी लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे। क्या सभी सोसाइटी जो हैं लड़के और लड़की को समान दृष्टि से देखती हैं? दैट एवरीवेयर वी हैव टू बी फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इवन द एज अ बॉय और एज अ गर्ल चाइल्ड। वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस चैप्टर में मिले। वी विल ऑल्सो लुक एट हाउ द डिफरेंट रोल्स असाइन टू बॉयज एंड गर्ल्स प्रिपेयर दैम फॉर देयर फ्यूचर रोल एज अ मैन एंड वुमेन। कि किस तरह से गर्ल्स को और बॉयज़ को अलग अलग रोल्स देकर उनको फ्यूचर में एज अ वुमेन और मैन बनने के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि आप लड़की हो, आपको अगले घर जाना है, आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए, और एक जो बॉय होता है उसे किस तरह से आगे एज अ मैन उसे सोसाइटी को डील करना है। वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटी वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली। हम ये देखते हैं और हम ये सीखते हैं कि जो ज़्यादातर समाज होता है वो आदमी को अलग वैल्यूज़ देता है, अलग इम्पॉर्टेंस देता है, और महिलाओं को अलग तरह से ट्रीट करते हैं। द रोल्स वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजली वैल्यू लेस। पुरुष जो काम करते हैं उन्हें ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, ज़्यादा महत्व दिया जाता है एज कंपेरिजन ऑफ वुमेन्स, और महिलाएँ जो काम करती हैं उनको कम वैल्यू दी जाती है, कम आका जाता है। द रोल्स वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजली वैल्यू लेस दैन द रोल्स मैन प्लेड एंड द वर्क दे डू। यानी पुरुष जो काम करते हैं और महिलाएँ जो काम करती हैं उनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। दिस चैप्टर विल ऑल्सो एग्जामिन हाउ इनइक्वालिटीज़ बिटवीन मैन एंड वुमेन्स इमर्ज इन द एरिया ऑफ वर्क। इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि जहाँ हम काम करते हैं, जो नौकरी होती है, वहाँ पर भी ये जो डिफरेंस है महिला और पुरुष का किस तरह से हम देख पाते हैं। Now, next topic is growing in Samoa in 1920s. The Samoans island are part of a large
ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड, समोअन आइलैंड जो है एक पार्ट है लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स, जहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स जो हैं उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है इन साउथर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन, यानी पैसिफिक ओशन के साउथर्न पार्ट में। इन 1920s में अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जो रिसर्च हुई है रिपोर्ट्स ऑन सेमेन सोसाइटी, यानी जो सेमेन सोसाइटी है उसके ऊपर, चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, तो वहाँ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। दे लर्न मैनी थिंग्स, वो काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का ध्यान कैसे रखते हैं, और डू हाउस होल्ड वर्क, और घर के कामकाज कैसे करते हैं, फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रंस एंड फ्रॉम एडल्ट, यानी जो बड़े बच्चे हैं उनसे और जो घर के बड़े होते हैं उनसे। फिशिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड, मछली पालन जो है या मछली पकड़ना जो है इस आइलैंड की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशंस, बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स एट देयर चाइल्डहुड, जो बड़े होते हैं वो जो मछली पकड़ने का काम करते हैं वो अपने एक्सपेंडिशंस जो हैं उसी से निकालते हैं, और हम कहें कि बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड, और कहीं ना कहीं हम बात करें तो उन्होंने ये जो मछली पालन का काम है ये अपने बचपन में ही सीख लिया था। एज सून एज बेबीज कुड वॉक, जैसे बच्चे जो चलना सीखते हैं, देयर मदर्स और अदर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम, यानी बच्चा जब पैरों पे चलना शुरू कर देता है तो उसके बाद उसका ध्यान जो है उसके पेरेंट्स और जो बड़े हैं वो नहीं रखते हैं। ओल्डर चिल्ड्रन, जो घर का बड़ा बच्चा होता है, ऑफन एज यंग एज 5 years old, चाहे वो 5 साल का ही क्यों ना हो, टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे ये जिम्मेदारी दे दी जाती है। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब होता है अपने जो भाई बहन होते हैं उनका वो लोग ध्यान रखते हैं, जो उनके छोटे भाई बहन होते हैं उनका। बट बाय द टाइम, लेकिन समय के साथ में, बॉय वॉज अबाउट 9 years old, जैसे ही लड़का 9 साल का हो जाता है, ही ज्वाइन द ओल्डर बॉयज इन द लर्निंग आउटडोर जॉब्स, तो उसे जो दूसरे लड़के होते हैं जो आउटडोर काम करते हैं, यानी जो घर के बाहर के काम होते हैं, जैसे हम कहें फिशिंग है, प्लांटिंग कोकोनट्स है, ये सब वो सीखने लगते हैं। गर्ल्स हैड कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन, लेकिन लड़कियां जो हैं वो लगातार घर के छोटे बच्चों का ध्यान रखती हैं, और डू एडरिन फॉर एडल्ट्स टिल दे वर टीनेजर्स, और जब तक वो टीनेजर्स होती हैं तब तक वो घर के सारे काम संभालती हैं। बट वंस दे बिकेम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम, आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, लेकिन लड़कियाँ जैसे ही 14 साल की हो या होती हैं या उससे बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें भी फिशिंग ट्रिप के लिए भेजा जाता है। वर्क इन द प्लांटेशन, प्लांटेशन के लिए भी, लर्न हाउ टू वीव बास्केट्स, किस तरह से टोकरी बनाई जाती है, कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेज, और जो खाना बनाने का काम है वो भी कुकिंग हाउसेज में स्पेशली उनको ट्रेन किया जाता है। फॉर बॉयज, वेयर बॉयज वर सपोज टू डू द मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प्ड विद द प्रिपरेशंस, यानी गर्ल्स जो होती हैं वो बॉयज़ से ज़्यादा काम करती हैं, या हम कहें कि जितनी भी प्रिपरेशंस होती हैं, तैयारियाँ जो होती हैं उनमें गर्ल्स को हेल्प करनी होती है। ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश 1960s, द फॉलोइंग इज अडाप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बींग अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन 1960s। ये जो बात हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये मध्य प्रदेश से एक्सपीरियंस की गई है, अनुभव की गई है 1960s में। फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, क्लास 6 के बाद जो बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स, यानी 6th class के बाद में लड़के और लड़कियों को अलग अलग स्कूल में भेजा जाता था। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल, लड़कियों का जो स्कूल है उसे अलग तरीके से तैयार किया जाता है लड़कों के स्कूल के मुकाबले। दे हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड, उनका एक ही कोर्टयार्ड होता है, बरामदा जैसा होता है, वेयर दे प्ले इन टोटल सेकुलरिज्म एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी बाहर के समाज से दूर रखकर उनको वहाँ पे खेलने के लिए मिलता है। द बॉयज़ स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड एंड आवर प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल, बल्कि उनका कोर्टयार्ड नहीं होता है खेलने के लिए, बरामदा जैसा नहीं होता है, बल्कि हम कहें कि बड़े प्ले ग्राउंड उनको दिए जाते हैं जो कि स्कूल के साथ में ही क्या होता है, अटैच होता है। एवरी इवनिंग, हर शाम, वंस स्कूल वॉज ओवर, जब स्कूल ख़त्म हो जाता है, द बॉयज वॉच्ड एज हंड्रेड ऑफ स्कूल गर्ल्स crowded the narrow streets. As these girls walked on the streets, they looked on purposeful
दिस वॉज अनलाइक द बॉयज हु यूज टू स्ट्रीट्स एज अ प्लेस टू स्टैंड सराउंडिंग आइडलिंग. सो गर्ल्स जो होती हैं उस स्ट्रीट का सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करती हैं क्योंकि उनको घर जाना. फॉर द बॉयज़ यहाँ पे जो हैं अपने आराम करते हैं, खेलते हैं, टू ट्राई आउट द ट्रिक्स विद देयर बाइसिकल्स, और अपनी बाइसिकल्स के साथ में नए नए ट्रिक्स अप्लाई करते हैं. फॉर द गर्ल्स, लड़कियों के लिए द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस, उनके लिए सड़क जो है एक ऐसा स्थान है टू गेट स्ट्रेट होम, जो सीधा घर की ओर जाता है. द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स, लड़कियाँ हमेशा एक ग्रुप्स में जाती हैं. Perhaps because they also carried fears, लेकिन उनके साथ में एक डर भी होता है, टीज और अटैक्ट, कि उनको कहीं कोई छेड़ नहीं दे, कोई अटैक ना कर दे. After reading the two examples above, दो examples हमने ऊपर पढ़े हैं, we realize, हमने ये महसूस किया that there are many different ways of growing up, यानी बच्चे के बड़े होने के अलग अलग तरीके हैं. Often we think that there is only one way in which children grow up, यानी कि सिर्फ क्या एक तरीका नहीं हो सकता जिसमें कि बच्चा बड़ा हो सके. दिस इज़ बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विद अवर ओन एक्सपीरियंसेस, वी टॉक टू एल्डर्स इन अवर फैमिली. अगर हम अपने बड़ों से घर में बात करें, वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड वर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, तो उनका जो चाइल्डहुड है, उनका जो बचपन है, शायद हमारे बचपन से बिल्कुल अलग था. वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटी मेक्स क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि हमारे जो समाज है वो लड़के और लड़की में बहुत ज़्यादा क्या करता है, अंतर. This begins from a very young age. और ये जो है हम कहें कि बहुत starting से ही शुरू हो जाता है. We are for examples given different toys to play with. हमें अलग अलग तरह के खिलौने दिए जाते हैं, यानी girls को अलग तरह के दिए जाते हैं, boys को अलग. Boys are usually given car to play with the girls dolls. लड़कों को खेलने के लिए कार दी जाती है और लड़कियों को गुड़िया दी जाती है. Both toys can be a lot of fun to play with. दोनों ही toys जो हैं फन देते हैं बच्चों को खेलने के लिए. वाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज़ कार, लेकिन लड़की को गुड़िया और लड़के को कार क्यों दी जाती है. टॉयज़ बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव अ डिफरेंट फ्यूचर, क्या इन खिलौनों के साथ हम ये बताना चाह रहे हैं कि लड़के का भविष्य अलग है और लड़की का अलग है. हम कहें टॉयज़ बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव डिफरेंट फ्यूचर्स व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन, कि वो लड़का बनेगा, आदमी बनेगा, वो एक महिला बनेगी, तो उनको हमने बचपन से ही वो ट्रेनिंग दे दी उनके टॉयज़ के साथ में. इफ़ वी थिंक अबाउट इट, अगर हम इन चीज़ों के बारे में सोचें, दिस डिफरेंस इज़ क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट एवरीडे थिंग्स, यानी ये चीज़ें बहुत छोटी हैं सोचने में, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें कहीं ना कहीं उन बच्चों को मोल्ड कर रही हैं उस चीज़ के सोचने के बारे में. हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए. वॉट गेम्स बॉय शुड प्ले, लड़कों को किस तरह के गेम्स खेलने चाहिए. हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, लड़कियों को बहुत प्यार से बात करनी चाहिए. और बॉयज़ नीड टू बी टफ, और लड़कों को बहुत ज़ोर से या बहुत टफली बात करनी चाहिए. ऑल दीज आर द वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रंस, क्या ये वो सब चीज़ें नहीं है कि हम बच्चों को सिखा रहे हैं. दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल टू प्ले व्हेन दे ग्रो अप टू बी अ मैन और वुमेन, क्या हम बच्चों को ये ट्रेनिंग नहीं दे रहे कि वो एक आदमी बनेगा या वो एक औरत बनेगी तो उन्हें किस तरह से ट्रीट करना है. लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट द सब्जेक्ट्स वी कैन स्टडी और द कैरियर्स वी कैन चूज, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में जो कैरियर हम चूज करते हैं उसको आगे चल के क्या करती हैं, इफेक्टेड करती हैं. इन मोस्ट सोसाइटीज इंक्लूडिंग अवर टाउन अवर ओन, हम कहें कि ज़्यादा जो सोसाइटीज़ होती हैं, जो समाज होते हैं, इसमें हम अपने समाज को भी इंक्लूड कर सकते हैं. द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू, कि किस तरह का जो किरदार है वो महिलाएं निभा रही हैं, पुरुष निभा रही हैं, किस तरह के काम दोनों कर रहे हैं महिलाएं और पुरुष. आर नॉट वैल्यूड इक्वली, क्या उनकी महत्वता एक समान है. मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, महिला और पुरुष का जो स्टेटस है वो सेम नहीं है, वो एक जैसा नहीं है. लेट्स लुक एट हाउ दिस डिफरेंस एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन, ये चीज़ हम आगे इसी चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से ये चीज़ एग्जिस्ट करती है जहाँ पे हम एक वर्कप्लेस पे काम करते हैं, वहाँ महिलाओं के साथ किस तरह से ट्रीट किया जाता है और पुरुषों के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है. तो ये चीज़ें जो हैं हम इसी चैप्टर में आगे
इस स्टोरी में पढ़ेंगे, माय मदर्स डज नॉट वर्क। तो ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।